पैन इंडिया ट्रेवल करता रहता हूँ, कहीं रुका तो नहीं कर सकते, गाड़ी चलती रहती है, तो बिजनेस करते रहते हैं, गलत आदमी को बता रहे। तो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने हमारे आदरणीय विजय तिवारी जी को बुलाया था कि जो ये प्रोग्राम आपने लॉन्च किया है पैन इंडिया, गांव का विकास कैसे हो, उसको कैसे आप लोग आगे लेके जाओगे। क्या हुआ? मैं नहीं बता रहा तुमने। नहीं नहीं, आप करिए स्टार्ट, बाकी लोग सुन रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। तो आइडिया ये है कि हमारी ग्राम पंचायतें हैं, इनमें कैसे इन्वेस्टमेंट आए छोटा खींचिए, और अब तक तो हमारी ग्राम पंचायतें रही हैं जो सरकारी ढांचा व्यवस्था है उसी की तरह रहती है। लेकिन हमने सरकार को बुला प्रधानमंत्री जी को कि जब तक हम अपनी ग्राम पंचायतों को एज एन एंटरप्राइज नहीं देखेंगे, एक एक बिजनेस यूनिट नहीं देखेंगे, तब तक ये ग्रांट सब्सिडी आरक्षण और ये जातियों का जो संगठन है बिगड़ता रहता है। क्योंकि पहले जो हमारी जातियां थी वो स्किल्ड वर्कर थी, जिससे हर जाति का एक काम था, जिससे इम्प्लॉयमेंट सबको मिली हुई थी, और कोई ऐसी जाति व्यवस्था कोई गौण व्यवस्था नहीं थी, तो पैदाइश थी जो जो काम करता था उस जाति के अंदर वो सम्मिलित हो जाता था। तो इसी को देखते हुए हमने उनको कहा कि एक जो जातिगत गौण व्यवस्था है हमारी, जो वो स्किल है उसको अपग्रेड किया जाए, और अपनी ग्राम पंचायतों को हम ऐसे एंटरप्राइज देखना स्टार्ट करें जिससे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आएगी और वो आप किस तरीके से कर सकते। तो जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसमें 29 सब्जेक्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश से ये है कि ना किसी ग्राम प्रधान को अगले आने वाले 5 साल में भारत की जैसी स्थिति चल रही है, जैसी जागरूकता चल रही है, देश के जैसे हमारे जो वीर ना उपस्थित वेटरन्स लोग, उनका उत्साह और उनको आगे बढ़ाने की जो बात इस देश में चल रही है, जब भी पुराना युद्ध हुआ है, प्रथम युद्ध विश्व युद्ध की विश्व युद्ध, उसमें भारत के सैनिक जो वर्तमान रह गए और जो चले गए, उन्होंने वो युद्ध स्थापित किया है कि आने वाले समय में कभी नहीं हो सकती। हम लोगों ने इतिहास कहा है, आज भी इसराइल और इजराइल में उनके तमाम स्मारक बने हुए हैं। इस शानदार धार में आपके साथ मिलकर गांधी के साथ और इसके सूत्रधार यशस्वी पिता के पुत्र श्री विजय तिवारी जी महाराज और हमारी बहन जी श्री लक्ष्मी ठाकुर जी विराजमान हमारे समक्ष, सारे बुजुर्ग नौजवान जो रिटायर्ड अपने को कहते हैं वो रिटायर्ड नहीं है, वो तो हम काम पर लगे हुए हैं, इसीलिए उनको पेंशन मिलती है, चकाचक जवानी बनी रहे उनकी, उनका उत्साह कायम रहे, और विजय तिवारी जी ऐसे लोगों के साथ लगकर इस देश का बचा हुआ कार्य जो उसको पूरा कर सका। मैं इस धरती पर खड़ा हूं, मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं, तिवारी जी की कृपा से, विजय तिवारी जी की बहन लक्ष्मी की कृपा से मैं एक अमावस्या में यहां रात में हवन कर गया और हवन का बड़ा अच्छा परिणाम भी रहा। ये धरती जहां हम लोग हैं, जहां काम कर रहे हैं, जहां रह रहे हैं, जहां जन्म लिए हैं, ये विश्व की प्रथम धरती है, सर्वोच्च धरती है, इसके बारे में स्वयं भगवान ने मानस में कहा जब 14 वर्ष बाद आए थे, सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचि हंदेशा जन्म भूमि पुरी सुहावनी उत्तर दिश सरजू बतावनी जा मज्जन के विनय प्रयासा मम समीप नर पावही बासा अति प्रियमो यहाँ के वासी हम सब लोग भगवान के द्वारा प्रशंसित हैं। अति प्रियमो यहाँ के वासी मम धामदापुरी यद्यप सब वैकुंठ बखाना वेद ज्ञान विदित जग जाना अवधपुरी संप्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को हर से सुन सब कवि प्रभुवानी और धन्य अवध देवा ऐसे अवध के विकास के लिए ऐसे अवध की जो तीन 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 परकोटे हैं अयोध्या का एक 5 कोसी परिक्रमा है एक 14 कोसी परिक्रमा है और एक माननीय नरेंद्र मोदी और गडकरी की कृपा से 84 कोसी परिक्रमा जो वृंदावन में चालू है वो यहां होने जा रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी पार्टी ने 84 कोस परिक्रमा रोकी थी, आज उसी 84 कोस परिक्रमा में माननीय गडकरी द्वारा और नरेंद्र मोदी द्वारा 6,000 करोड़ रूपये लगाकर 4 लेन पूरा 256 या 266 किलोमीटर का बनने जा रहा है।
जिसके जागरण का पीड़ा हमारे तिवारी की लक्ष्मी बहन ने आप लोग सहयोग से उठाया है। ये निश्चित है कि विश्व में एक वेटिकन सिटी है जहां पर ईसाई लोगों का एक कहां पोप रहते हैं उनके धर्माचार्य। उसी तरह की परिकल्पना हम लोगों ने किया है अपने तिवारी जी के साथ कि वहां पर जितने ईसाई कंट्रीज हैं 7% ऑफ द एक्सचेंज हर साल बजट का 7% भेज देते हैं, कोई वहां का कानून नहीं जो वो बनाता वही से लागू होगा। इसी तरह से हम लोगों का प्रयास है कि ये जो हमारा आधारभूत क्षेत्र बना है आप लोगों को लगभग 80 किलोमीटर का, इसमें करीब कई सौ गांव दिए जा रहे हैं, इसको अगर आप करेंगे इसको ताकत देंगे एक दिन ऐसा आएगा कि डायरेक्ट यहां उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार नहीं बल्कि नेशनल बजट होगा और हर वर्ष दिल्ली से ही बजट आ जाएगा। और ये बीच में हम लोगों का जो संकल्प है, जैसे प्रधान आप हैं जैसे प्रधानमंत्री हुए, इसके बीच में कोई दलाली नहीं चलेगी, चाहे लेखपाल हो चाहे सिपाही हो चाहे SDM हो चाहे DM हो चाहे कमिश्नर हो चाहे जो हो, वो यहाँ वही पोस्ट होगा जो संकल्प लेके आएगा, संविधान का नहीं ईमानदारी का संकल्प लेके आएगा कि मैं अपनी तनख्वाह के अलावा कोई धन नहीं का ग्रहण करूंगा और अगर ग्रहण करूं तो मुझे सजा दी जाए। इस तरह का हम बनाने वाले हैं। आप सबका सहयोग और आप लोगों का उत्साह देख करके जो वहां लोग मौजूद हैं वेटरन्स, बहुत उत्साह बढ़ा है हमारा। जैसा कि बहन जी ने कह दिया कुछ ज्यादा ही, लेकिन मैं दो चक्र चौपाई सुनाकर उसको सिद्ध करना चाहता हूं। बहन ने कह दिया तो भाई कहने पड़ेगा। प्रार्थना के दो सत्र हैं। कहा रघुपति पहले नौधा आ गया, जो नौधा भगवान वही आ गया, अपने आप आ गया। संविधान की महिमा है, मैं कहना दूसरा कहता था लेकिन निकल दूसरा दूसरा प्रभु दूसरा कहता है। प्रभु हृदय चल कविकारी सकल जीव जब दीन दुखारी ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन मनसुरासी। वो चेतन है वो कह रहे हैं चेतन परंतु राम की बात कर रहा था तो राम जी कह रहे हैं पहले सबरी की बात बताओ साढ़ नहीं थी। कहा रघुपति सुन भानी बात अमान एक जो नाम का नाम है प्रेम तिवारी नहीं कहे मान एक भगति करना था। आज हम लोग उलझे हुए हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर मम रति कथा प्रसंगा अगुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति मान चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुदेव प्रकाशा और छठतम शील विरत बहु कर्म जो काम मिल जाए जैसा आप लोग करते हैं जैसा सेना करती है छठतम शील विरत बहु कर्मा और निरत निरतर सज्जन धर्मा और सातों सम मोही मैं जग देखा अमोते अधिक संत कर लेखा यथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखी पर दोषा और नवम सरल सब छन छलहीना और मम भरोस ही हर सलीना और नौ महे कौ दिन के होई और नारी पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय मामिनी गोरे और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान ने कहा नौ तो है ही है, नौ में से कोई एक हो जाए, लेकिन हे माता सबरी तुम्हारे पास तो दृढ़ भक्ति है। हजारों साल हो गए गुरु जी को बताए और आप रोज रास्ता बहारती रही। आप कभी माता पिता गुरु भगवान पर जो विश्वास करेगा उसका सब काम बन ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित। इसलिए उसको कभी विश्वास मत करिए न माता पर न पिता पर न गुरु पर न भगवान पर और न अपने भारत राष्ट्र पर। जो भारत राष्ट्र में विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है दो दो संत लगे हुए हैं, एक हरिद्वार में रामदेव संत लगे हुए हैं, एक दिल्ली का संत श्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। और आप लोग जैसे जागरूक लोग लग जाएंगे तो बहुत देर होगी तिवारी जी। मैं अधिक न कहकर बहुत वक्ता होंगे चाहूंगा कि तीस सत्र उपचार के बुजुर्ग का आज मुझे गर्व होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले मुझे ही जान निहारा एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुजार और तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध।
शंकर जी ने कहा माता पार्वती से, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, और बिनु हरि कृपा नहुं गावहिं देव पुराण, उमा कहूं मैं अनुभव अपना असत हरि भजन जगत सब सपना। और हमारे यहां बार बार माता पिता के बारे में कहा गया कि माता पिता का प्रथम दर्जा होता है। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाही माथा, और नहीं कल कर्म न भगत विवेक, राम नाम अवलंबन। और कहा गया सब युगों में तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन कलिकाल में कलयुग केवल नाम अधारा, और सुमिरी सुमिरी न उतर पारा, और नहीं कलि कर नहीं कलि कर्म न भगत विवेक, राम नाम अवलंबन। हमारे यहाँ गुप्ता घाट में लिखा हुआ है, राम नाम के एक ही जल स्वरूप हो जात, और जाल बीच आवत नहीं काल ठाल पछतात। ये राम नाम ऐसा है कि भले 500 साल लग गए, लेकिन राम नाम की ऐसी शक्ति है, जिसने अपने को दिखाया कि पूरे विश्व का ईसाई, पूरे देश का, पूरी विश्व का मुसलमान और सारे धर्मावलंबी, और हमारे स्वयं अपने जो राजनीतिक थे वो राम जन्मभूमि को रोकने में, जिनमें 7 लाख लोग से अधिक इस 500 वर्ष में बलिदान हो गए, उसको बनने न पाए, आज भी नारा राम की सत्ता लगता है। अगर हम सावधान रहे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए हम सब अपने को बहुत भागशाली और स्वाभिमानी, और इस बात का हमको गर्व है कि हम राम की जन्मभूमि में हमने जन्म लिया है। जिस राम की जन्मभूमि के लिए लोग दर्शन के लिए कहां कहां से आ गए, हुआ है। और श्री विजय तिवारी जी ने बैठ के कर लो इस काम को ही नहीं, पूरे प्रदेश के कई ऐसे ग्राम है जिसको आगे बढ़ाने का काम किया है। आपने योगाचार्य पंडित गायत्री जो इटली से आई हुई थी, वो अयोध्या में पूरा डेलीगेशन 11 मंथ का लेकर के आई थी, उसमें अहम भूमिका निभाने वाले लक्ष्मी जी और श्री विजय तिवारी जी का अहम योगदान था। उसमें हम लोग तत्काल मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके यहाँ हम लोग बैठे, उनके गुरु श्रीमान अवैधनाथ जी महाराज जी से हम लोग मिले थे। उनके विषय में, योग के विषय में बहुत ही कई विषयों पर चर्चा हुआ था, और अयोध्या ही नहीं पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के विषय में भी चर्चा हुआ था। हम चाहते हैं कि जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सभी लोग अगर सहयोग करेंगे तो इनका जो कार्य क्षेत्र है बढ़ेगा और इनका मिशन पूरा होगा। आने वाले समय में यह इनका संस्था जो है असरकारी स्थिति होगा, और विश्व गुरु भारत बन करके रहेगा। इसको दुनिया का कोई ताकत कभी नहीं रोक सकती, कभी नहीं रोक सकती, कभी नहीं रोक सकती। काय के पथ में रोड़े अटकाने वाले सब मिट जाएंगे, तुम दिन कर बने चमकुनम में तारे छट जाएंगे। तारे तब तक टिमटिम करते हैं जब तक सूर्य अस्ताचल में है, जम्बू तब तक चिल्लाते हैं जब तक मृगेंद्र जंगल में है। मैं सोया सिंह जगा तो का तुमसे सुना सकते हो क्या, मैं इस गांव क्षेत्र का विकास कर दूंगा तुमसे रोक सकते हो क्या। मैं विजय सिंह तिवारी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से कार्यक्रम सदैव करते रहे, और जितने भी लोग यहाँ आए आपके सहयोग में खड़े हैं, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी तन मन धन से आपके साथ है। हम ये चाहते हैं कि आने वाला जो समय है इस कार्य में, विश्व गुरु भारत अभियान में सब लोग आपका सहयोग देंगे, और यही नहीं जरूरत पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, आने वाले भी मुख्यमंत्री वही है, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। जिससे हमारा डेलीगेशन मिलकर के मुख्यमंत्री जी से, भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलकर के हम लोग वार्ता करेंगे, जिससे आगे सुनियोजित ढंग से आपका कार्य हो और विकास हो। आज तो मैं आपके सामने श्रोता बन के आया हूँ, मैं सुनने के लिए आया हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और मैं आप सबके अनुमोदन को सुनना चाहता हूँ, और साथ साथ एक बार पुनः जयकारा हो जाए, बोले श्रीराम जन्मभूमि की, श्रीराम।
मकसद है। समझने की कोशिश करूंगा, अभी समझ नहीं पाया हूँ पूरी तरह से। तो अच्छा लगता है जब कोई ऐसी घटना आ जाए, अच्छी सोच के साथ काम करती है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसे विजय रहें और इससे निरंतर अपना सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।